भगवत धर्म और भगवतों के शब्द वास्तव में बौद्ध धर्म और पाली भाषा से लिए गए हैं। भगवतों और भगवा शब्द की पुरातन विद्यमान प्रमाणिकता बौद्ध धर्म और पाली भाषा से आती है, जैसे कि बुद्ध की प्रार्थना नमो तसा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्ध सार है, और भवन शब्द का अर्थ ईश्वर से मेल नहीं खाता है, बल्कि यह एक ऐसे व्यक्ति को बताता है जिसने मोह को पिघला दिया है, गर्व को नष्ट कर दिया है, दुःख को नष्ट कर दिया है। पाली का भगवान अथवा भगवंत दो शब्दों से बना है, भग प्लस वान। पाली में भग मायने होता है भंग करना, तोड़ना, भाग करना, विभाजन, विश्लेषण करना, उपलब्धि को बांटना आदि, और वान अर्थात धारण करता, तृष्णा आदि, यानी जिसने अपनी तृष्णाओं को भंग कर दिया वह भगवान है। पाली ग्रंथों में बुद्ध के लिए प्रयुक्त भगवान अथवा भगवा शब्द को परिभाषित करते हुए बहुत से उदाहरण हैं। भगगरागोति भगवा, जिसने राग भग्न कर लिया वह भगवान। भगदोसोति भगवा, जिसने द्वेष भग्न कर लिया वह भगवान। भगमोहोति भगवा, भगमानोति भगवा, भग किलेसोति भगवा, भवाना अंतक्रोति भगवा, भर्गकंडकोति भगवा, जिसने मोह भंग कर लिया, अभिमान नष्ट कर लिया, क्लेश भग्न कर लिए, भव संस्कारों का अंत कर लिया, कंटक भग्न कर लिए वह भगवान। इस प्रकार के बहुत से उदाहरण मिलते हैं जिनमें भगवान शब्द को सुपरिभाषित किया गया है। भावित कायो भावित सीलो भावित चित्तो भावित पजोति भगवा, अर्थात काया, शील, चित्त और प्रज्ञा को जिसने साध लिया, भावित कर लिया वह भगवान। भगवान शब्द गौरव व गरिमा का भी पर्याय है। भगवाति गारवाधिवचन, भाग्यवान, सौभाग्यवान शब्द भी भगवान शब्द से व्युत्पन्न है। अपनी उपलब्धि में लोगों को भागीदार बनाने के अर्थों में भी बुद्ध के साथ भगवान शब्द प्रयोग किया गया है। उच्चतर उपलब्धियों में भागीदार होने के अर्थ में भी भगवान शब्द समानार्थी है। भावी वा भगवा चतुन्न झानानं चतुन्न अपमानं चतुन्न अरूप समापत्तिनंति भगवा, अर्थात जो चार ध्यान, चार अप्रमाण्य ध्यान, चार अरूप ध्यान संपत्तियों के भागीदार हैं वह भगवान हैं। ये सभी उदाहरण भिन्न भिन्न दृष्टिकोणों से भगवान शब्द को व्याख्यायित व परिभाषित करते हैं, जो कि भगवान शब्द के आज के प्रचलित अर्थों से बिल्कुल अलग अर्थ रखते हैं। बैर से बैर शांत नहीं होता, अबैर से बैर शांत होता है, यह बुद्ध का धम्म है। इमास्मिन इदं होति, इमास्मिन अस्ति, इदं न होति, अर्थात यह होने से यह होगा, यह नहीं होने से यह भी नहीं होगा, यह बुद्ध का धम्म है। बुद्ध ने प्रायः धम्म के लिए अपनी देशनाओं में कहा है, एस धम्मो सनातनो, यह ही सनातन धर्म है, अर्थात जो सनातन सत्य है, सनातन नियम है, बुद्ध ने उन्हें धम्म कहा है। वही हिंदू धर्म में भगवान शब्द का अर्थ कुछ और होता है। यह शब्द ईश्वर या देवता को बताने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, इसलिए हम यह समझ सकते हैं कि पाली भाषा में भगवान शब्द बुद्ध धर्म के लिए एक महत्वपूर्ण शब्द है, जो वास्तव में आत्मसंयम और सत्याग्रह के अधिकारी के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। वहीं हिंदू धर्म में यह शब्द ईश्वर को बताने के लिए प्रयोग में है।